हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग टेडोफाइटा में पढ़ने वाले हैं इक्विसिटम। इसके पहले हम लोग सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम पढ़ चुके हैं। ये हमारा तीसरा जीनस है। तो इक्विसिटम में हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर साधारण तौर पर इक्विसिटम को हार्स टेल के नाम से जाना जाता है। पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका कॉमन नेम ही हो जाता है, या इसी को स्कोरिंग रसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो कॉमन नाम हैं, पहला तो है हार्स टेल, या फिर इसी को स्कोरिंग रसेज कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट लिखा है कि द इक्विसिटम प्लांट आर रफ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका ऑन द आउटर वॉल ऑफ इपिडर्मल सेल। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके इपिडर्मिस में सिलिका के कण पाए जाते हैं। तो यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा इक्विसिटम। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सिलिका का पाया जाना। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है कि द मेन स्टेम इज अंडरग्राउंड। इसका जो मेन स्टेम होता है, यहाँ पे देखिए, ये अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे होता है। क्रीपिंग एंड पेरेनियल राइजोम, ये क्रीपिंग होता है, इस तरीके से पूरा यहाँ तक सिस्टम होता है, जमीन की सतह के सहारे रेखता हुआ होता है, और पेरेनियल होता है, बहुवर्षीय होता है, कई सालों तक ये मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। इसके बाद इस राइजोम से दो टाइप की एरियल ब्रांचें निकलती हैं। एरियल ब्रांचों का मतलब हवा में निकलने वाली ब्रांचें। तो जो एरियल ब्रांचें होती हैं, जमीन से उठी हुई जो ब्रांचें होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है स्टेराइल सूट। स्टेराइल का मतलब होता है कि इसमें जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सूट। तो यहाँ पर जो स्टेराइल सूट है हमारा, वो वेजिटेटिव सूट कहलाता है, और जो दूसरा है वो हमारा फर्टाइल सूट कहलाता है। इसके लास्ट में यहाँ पर देखिए स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जिसमें स्पोर बनते हैं और ये प्रजनन करने में सक्षम है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें स्टेराइल और फर्टाइल दोनों प्रकार के सूट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा इक्विसिटम। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका मेन तना होता है, राइजोम जो होता है, वो जमीन के नीचे पड़ा होता है, पेरेनियल होता है, बहुवर्षीय होता है। इसमें से दो टाइप की एरियल सूट निकलती हैं, एक स्टेराइल सूट होता है जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इस पर कोई भी जनन अंग नहीं बनते हैं, और दूसरी हमारी फर्टाइल सूट होती है जिसके शीर्ष पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और ये प्रजनन करने में सक्षम होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि द एरियल सूट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। जो यहाँ पे हमारा एरियल सूट है, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड का मतलब गांठी। यहाँ जहाँ जहाँ से देखिए पत्तियाँ निकली हैं, ये नोड है, और नोड के बीच में ये जो जगह है, इसे हम इंटरनोड बोलते हैं। तो इसका जो स्टेम होता है, नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नोड और इंटरनोड हमें किस टेडोफाइटा में देखने को स्पष्ट रूप से मिलते हैं। तो यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा इक्विसिटम। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपने देखा, इसका कॉमन नेम हार्स टेल होता है, दो टाइप के सूट पाए जाते हैं, स्टेराइल सूट और फर्टाइल सूट। इसके बाद इसके इपिडर्मिस के आउटर लेयर में हमें सिलिका के कण जमे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ से चलते हैं अगले पॉइंट पे। हम लोग देखिए लिखा है कि जो वेजिटेटिव सूट होता है, अर्थात ये वाला पार्ट, ये जनरली ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, अर्थात इसके अगल बगल से भी शाखाएं निकलती हैं, और ग्रीन होता है, हरा होता है, और ग्रीन होने की वजह से ये फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। जबकि जो फर्टाइल सूट होता है, वो अनब्रांच्ड होता है, इसमें कहीं पर भी आपको शाखा देखने को नहीं मिलती है,
क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल इसके स्टेम में भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर टर्मिनेटिंग कोण पाए जाते हैं, अर्थात इसके टर्मिनल पोजीशन पर शीर्ष भाग पर यहाँ स्पोरेंजिया व्यवस्थित होकर के एक कोण या स्ट्रोबिलस बना लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इक्विसिटम में किस ब्रांच में ब्रांचिंग पाई जाती है, दे देगा यहाँ पे, या किस सूट में, स्टेराइल सूट में या फर्टाइल सूट में, तो स्टेराइल वाले में ब्रांचिंग देखने को मिलती है, फर्टाइल वाले में हमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा ब्रांचिंग में। इसके बाद देखिए लिखा है द टीएस ऑफ एरियल सूट ऑफ इक्विसिटम इज वेबी इन आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिज एंड ग्रूव। इसका मतलब हुआ कि जब इसका सेक्शन काटा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है, बिल्कुल ये गोलाकार नहीं दिखता है इसका स्टेप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिज एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, ये जो उठे हुए भाग होते हैं इसे हम रिज बोलते हैं, रिज, और जो यहाँ से नीचे धंसा हुआ पार्ट होता है इसे हम ग्रूव बोलते हैं। तो इसमें रिज और ग्रूव्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो स्टेम का टीएस होता है वो लहरदार दिखाई देता है, वे भी दिखाई देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है कि इनमें से किसका स्टेम का टीएस जो है वे भी होता है, लहरदार होता है, तो इसका जवाब भी यहाँ से हो जाएगा इक्विसिटम। इसके बाद देखिए लिखा है द इनर कार्टेक्स हैज लार्ज साइजोलाइसिजिनस कैनाल। इसका जो कार्टेक्स होता है उसमें लंबी लंबी बड़ी बड़ी साइजोलाइसिजिनस कैनाल्स पाई जाती हैं, जिन्हें वेलिकुलर कैनाल्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वेलिकुलर कैनाल्स किस में देखने को मिलती हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा इक्विसिटम में। इसके बाद देखिए है द वैस्कुलर सिलेंडर इज इक्टोफ्लोविक साइफोनो स्टील। इसमें स्टील किस प्रकार का होता है, तो साइफोनो स्टील प्रकार का होता है। साइफोनो स्टील का मतलब ही होता है कि इसके बीच में पिथ मौजूद होता है, तभी ये साइफान या पाइप नुमा संरचना बनेगा जब बीच में इसके पिथ मौजूद होगा। तो ये साइफोनो स्टील होता है और एक्टोफ्लोविक होता है। एक्टोफ्लोविक का मतलब होता है कि फ्लोएम बाहर की साइड में होता है। आगे आपको इसका पूरा स्टीलर सिस्टम टेडोफाइटा का पढ़ाएंगे हम अगले लेक्चर में। तो ये इसका स्टीलर सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइप का होता है। अभी के लिए इतना जानिए कि जो स्टील होता है वो साइफोनो स्टील होता है और एक्टोफ्लोविक होता है। इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, वो कंजॉइंट प्रकार के होते हैं। कंजॉइंट प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए हम बता दे रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम ये सेम रेडियस पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से देखिए कुछ अब यहाँ पर देखें जो जाइलम है ये एक रेडियस पर है इस तरीके से, और जो फ्लोएम है ये भी एक रेडियस पर है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है कंजॉइंट, जबकि जो जड़ें होती हैं उनमें जो मोनोकाट होते हैं, जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं, वो किसी स्पेशल रेडियस पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो कंजॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पर व्यवस्थित होते हैं, एक त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद लिखा है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कि जो कंजॉइंट हमारा है ये दो प्रकार का होता है, एक कोलेट्रल होता है और एक बाइकोलेट्रल होता है। तो कोलेट्रल का मतलब है कि अंदर जाइलम होगा और बाहर फ्लोएम होगा, जबकि बाइकोलेट्रल का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए बीच में ये जाइलम है, इसके दोनों तरफ फ्लोएम है, इधर भी फ्लोएम होगा, इधर भी फ्लोएम होगा और बीच में जाइलम होगा, तो इसे बाइकोलेट्रल बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का वैस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पर देखिए अंदर जाइलम है केवल बाहर की तरफ फ्लोएम है, तो इसे हम कोलेट्रल बोलते हैं।
तो कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल का यही मतलब है यहाँ। तो पहली कंडीशन यहाँ कंज्वाइंट होता है। कंज्वाइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल का मतलब है कि फ्लोएम जाइलम के केवल बाहरी साइड में पाया जाता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। अब ये कोलेट्रल भी दो प्रकार का होता है, एक ओपन होता है एक क्लोज होता है। तो ओपन उनमें पाया जाता है जिनमें बीच में कैम्बियम रिंग पाई जाती है और द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ टेडोफाइटा में हमें द्वितीयक वृद्धि तो दिखती नहीं है, इसलिए ये क्लोज टाइप का होगा। इसके बाद इंडार्च। इंडार्च का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो केंद्र की तरफ। अब जैसे यहाँ पे जो जाइलम भी बना है, ये जाइलम दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम जो कि अभी नया बना हुआ है, कम डेवलप है, मेटाजाइलम जो कि पहले का बना हुआ है और ज़्यादा डेवलप हो। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बनती है। थोड़ा सा बड़ा करके फिगर दिखा रहे दे रहे हैं यहाँ पे कि जो जाइलम है, जैसे यहाँ पर देखिए जो बड़े जाइलम हैं ये मेटाजाइलम हो गए, और यहाँ जो छोटे छोटे जाइलम हैं अभी जो नए बने हैं ये प्रोटोजाइलम हैं। तो जब ये प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होता है, केंद्र की तरफ, और मेटाजाइलम बाहर की साइड में होता है, इपिडर्मिस की तरफ, तो इस कंडीशन को हम इंडार्च बोलते हैं, जो कि तना में देखने को मिलता है। अगर यही रूट होता तो वहाँ पर हमें इक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती, मतलब कि ये मेटा वाले जाइलम इधर हो जाते और ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो जाता। तो आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा एनजियो स्पर्म, तो वहाँ पे आपको विधिवत वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी है। अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि वैस्कुलर बंडल की व्यवस्था इसमें कैसी होती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। लिखा है कि इन मेच्योर बंडल द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म ए कैराइनल कैनाल। ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोटोजाइलम हैं ये सब प्रोटोजाइलम आपस में मिक्स होकर के इस तरीके से एक कैनाल बना लेते हैं। इस कैनाल को हम कैराइनल कैनाल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैराइनल कैनाल हमें किस प्लांट में देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा इक्विसिटम में। फिर पूछा जा सकता है कि इस कैराइनल कैनाल का निर्माण किससे होता है, तो वो प्रोटोजाइलम से होता है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों विकल्प में दे देगा तो कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, इसलिए आप ध्यान से इसको याद करिएगा कि जो कैराइनल कैनाल होता है ये प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से या नष्ट होकर के आपस में मिल जाने से ही बनता है कैराइनल कैनाल। मेच्योर वैस्कुलर बंडल्स में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो पत्तियाँ इसकी माइन्यूट होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, स्केली होती हैं, अर्थात पत्तियों के नीचे स्केल पाया जाता है, एक और एक्स्ट्रा पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, एंड आइसोफिलस। आइसोफिलस का मतलब होता है कि सभी पत्तियाँ समान आकार की होती हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी और बड़ी पत्तियाँ एक ही प्लांट में पाई जाएँ। तो पत्तियाँ माइन्यूट होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, स्केली होती हैं, अर्थात पत्तियों के नीछे एक और पत्तीनुमा संरचना छोटी सी पाई जाती है, और आइसोफिलस होती हैं, सभी पत्तियां समान होती हैं। इसके बाद यहां पे लिखिए पत्तियों के बारे में लिखा है कि दे एराइजेज इन हर्ल्स एट द नोड्स। हर्ल का मतलब होता है घेरा या रिंग में। तो यहां पे देखिए पत्तियां जहां भी पाई जा रही हैं पूरा एक रिंग में, एक घेरे में व्यवस्थित है। इसी कंडीशन को कहा जाता है कि हर्ल में अरेंजमेंट होती हैं इक्विसिटम में पत्तियाँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्पोरेंजिया होती है वो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बनती है। जो यहाँ से ब्रांच है जिसके ऊपर ये स्पोरेंजिया बनी हुई है, इस ब्रांच को स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन सम स्पीसीज ए होल ऑफ स्केल लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड एनुलस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्ट्रोबिलस। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रोबिलस का बेस है, कुछ जातियों में भी यहाँ पर स्केल या पत्ती नुमा संरचना विशेष प्रकार की पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम एनुलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से किसके स्ट्रोबिलस में एनुलस पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा इक्विसिटम में। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है द आउटर वॉल ऑफ स्पोर स्प्लिट्स इंटू फोर हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स कॉल्ड इलेटर्स। यहाँ पर जब इसके स्पोर स्प्लिट होते हैं, स्पोर्स बाहर निकलते हैं, तो चार हाइग्रोस्कोपिक बैंड बनते हैं जिन्हें इलेटर्स कहा जाता है। तो
तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स किस में देखने को मिलते हैं, टेडोफाइटा में, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा आपका इक्विसिटम में। इसके बाद देखिए लिखा है द स्पोर जर्मिनेट टू फार्म ए कुशन लाइक प्रोथाइलस। कुशन का मतलब गद्दी होता है, तो इसका जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके एक गद्दी नुमा प्रोथाइलस बना लेता है। फिर इसके प्रोथाइलस पर अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्यवस्थित होंगे, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होगा। तो इसमें जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। इस पॉइंट को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि अब तक जो भी आपने स्पीसीज पढ़ा है, चाहे ब्रायोफाइटा में हो या टेडोफाइटा में, तो वहाँ पर जो एंथ्रोजॉइड बनते थे वो बाईफ्लैजिलेटेड बनते थे, लेकिन इक्विसिटम में आप देख रहे हैं कि यह मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है और हाईली क्वाइल्ड होता है। मतलब इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा घुमावदार होता है, जलेबी की तरह बिल्कुल, और ये मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फ्लैजिला इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का एंथ्रोजॉइड पाया जाता है इक्विसिटम में। इसमें जो स्पोरेंजिया डेवलप होती है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप की होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो इसका कॉमन नेम हार्स टेल हो गया। दो टाइप की एरियल सूट पाई जाती है, स्टेराइल और फर्टाइल पाई जाती है। इसके इपिडर्मिस में सिलिका के कण पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बन रहा है, यहाँ से कुछ खास नहीं है। हाँ, इसका जो इक्विसिटम का टीएस होता है वो लहरदार होता है। या ये भी पूछ सकता है कि रिज और ग्रुप समय किसके स्टेम के टीएस में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से भी आपका इक्विसिटम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेलिकुलर कैनाल्स किस में देखने को मिलते हैं, तो इक्विसिटम। इसके बाद यहाँ के वैस्कुलर बंडल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। कैराइनल कैनाल यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजाइनम से बनता है। इसके बाद होमोस्पोरस होता है, ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब तक जो आपने तीन पढ़ा है, इस तीन में से सिलेजनेला आपका हेट्रोस्पोरस था, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, इक्विसिटम भी होमोस्पोरस है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पोरेंजियम में एनुलस पाया जाता है, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। चार हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स पाए जाते हैं। इसके बाद मल्टीफ्लैजिलेटेड हाईली क्वाइल्ड एंथ्रोजॉइड बनते हैं। तो यहाँ पर बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा। एक और यहाँ पे था कि इक्विसिटम को, हाँ, इक्विसिटम का जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम एक हार्स टेल तो है ही, विशेष तौर पर यह भी ध्यान रखिएगा स्कोरिंग रसेज वाला पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो स्कोरिंग रसेज भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हमारा मार्सिलिया बचा है, तो कल के लेक्चर में हो सकता है मार्सिलिया या फिर स्टीलर सिस्टम, दोनों में से एक अपलोड होगा। इसके बाद दो लेक्चर और है टेडोफाइटा में, फिर टेडोफाइटा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।